नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामाक्षी मिश्रा और आज के व्लॉग में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम लोन की पूरी प्रोसेस की, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूं। तो जैसे आप सबको पता है, आरबीआई ने पिछले 10 महीने में 6 टाइम्स अपने रेपो रेट बढ़ाए हैं। रेपो रेट मतलब जिस पे वो अदर बैंक्स को जिस इंटरेस्ट रेट पे वो अदर बैंक्स को लोन देता है, वो 6 टाइम्स बढ़ने से हमारा भी जो इंटरेस्ट रेट है होम लोन का या अदर लोन्स का, वो इम्पैक्ट करता है। तो लोन को इम्पैक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं या फिर आपका इन्फ्लेशन रेट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, आरबीआई के रेपो रेट हैं, रिवर्स रेपो रेट हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम जो बायर हैं या होम लोन लेने वाले लोग हैं उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने होम लोन लिया था 4 साल पहले 8.65 की रेट पे और कोविड के टाइम पे वो डाउन मुझे मिला 7% पे और आज मैं पे कर रही हूँ 9.45% के रेट पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। इसके अलावा आपको फ्लैट, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, टर्म लोन, मैक्स गेन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्रॉपर्टी का लीगल चेक या टेक्निकल चेक कि वो सही प्रॉपर्टी है या नहीं। अगर हमने थोड़ी सी भी चूक की और फीस देने बचाने के चक्कर में या फिर किसी ऐसे के पास चले गए जो बिना चेक किए आपको इंस्टेंट 2 डेज़ में 7 डेज़ में डिसबर्सल कर रहा है लोन का, तो हम एक गलत बैंक के पास फंस जाते हैं और बहुत दिक्कत आ जाती है। एक दो छोटे एग्जांपल हैं मेरे खुद के फ्रेंड्स के जिनका लैंड लीगल नहीं है, जिस पे फ्लैट बन गया है और आप वो उसका पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। या फिर एक नॉर्मल मैं आपको एक प्लॉट की बात बताती हूँ जिसमें एक और मेरे फ्रेंड ने प्लॉट लिया है और उस पे अब वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस एरिया के जो बिल्डर हैं उन वो फोर्स कर रहे हैं कि हम ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, तुम बाहर से बिल्डर नहीं ला सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें उसका बहुत सारा चेक करना होता है। और वापस आते हैं अपने होम लोन वाली बात पे, तो जो हमारा PCMC एरिया या पुणे है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है पिछले 2 सालों में और अब लोग प्रिफर कर रहे हैं रेडी होम या रेडी होम और थोड़े स्पेसियस बड़े होम, क्योंकि इस महामारी ने, कोविड ने हमारी ज़रूरतों को थोड़ा सा बदल दिया है। तो ज़्यादातर लोग कॉल करते हैं कि हमें वेट नहीं करना है, हमें चाहिए थोड़े से बड़े स्पेशियस और रेडी होम, ठीक है। तो जब आप फाइनल कर लेते हैं अपना घर और उसके बाद फिर बैंक की चेक करने लगते हैं सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन इधर उधर कि कौन सा बैंक फाइनल करें, तो मैं एक चीज़ और बताऊँ, मेरी कुछ फीमेल व्यूवर्स का या ऑडियंस का मुझे कॉल आता है कि वो घर लेना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए या खुद के लिए, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और खुद घर खरीद रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फीमेल भी इस में आगे आ रही हैं और वो खुद से अपने लिए अब घर ले रही हैं। तो आज का वीडियो स्पेशल आप सबके लिए भी है। मैं बहुत सिंपल स्टेप्स में बहुत ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं वो समझाने की कोशिश करूँगी, तो वीडियो पूरा देखिए स्टार्ट से एंड तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अपना होम लोन का प्रोसेस। तो दोस्तों, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो एक तो इस प्रोसेस में बहुत सारी पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक तो सेलर है या बिल्डर है जो कि अपना घर सेल करने को रेडी है, हमें मुझे पसंद आ गया और मैं बाय करने को रेडी हूँ, तो ये हम दो पार्टी हो गए जिसका आपस में एग्रीमेंट हो सकता है। तीसरा हमारा होता है, अब आता है बैंक, तो हमारे बीच का जो मॉनेटरी इशू है, फिनेंशियल मेरा प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए बैंक पिक्चर में आता है। वो बोलता है कि ठीक है मैं होम लोन दूंगा, आप दोनों आपस में बाइंग सेलिंग का एग्रीमेंट कर लो। तो हम तो 3 पार्टी हो गए। इसके अलावा हमें और किनसे मिलना होता है या बात करना होता है इस प्रोसेस में, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लॉयर है जो आपका सेल डीड करता है या एग्रीमेंट करता है, तो एक आपको रखना होता है लॉयर इस प्रोसेस में जो कि आपका एग्रीमेंट करेगा, सेल डीड करेगा। और इसके अलावा जो है बैंक आपको एक बंदा तो अपना देता है जो आपके साथ रहता है डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए, आपको गाइड करने के लिए एक एजेंट होता है बैंक का। और उसके अलावा बैंक की तरफ से
और दो पार्टी होती है जो आपका एलिजिबिलिटी चेक करती है, जो आपके घर पे ऑफिस पे जाके प्रॉपर चेक करती है कि आप सही बंदे हैं या नहीं, आपको लोन दिया जा सकता है कि नहीं, बैकग्राउंड चेक होता है। और इसके अलावा एक और पार्टी होती है जो टेक्निकल चेक करेगी या लीगल चेक करेगी इस प्रॉपर्टी का कि प्रॉपर्टी ऐसी है कि नहीं जिसमें लोन दिया जा सके या नहीं, नहीं तो फिर वो अडानी जैसा केस हो जाएगा जिसमें 10 रुपये की प्रॉपर्टी के लिए 10 लाख का लोन चला जाता है। तो उससे बचने के लिए बैंक ये चीज़ें करता है। तो बैंक के पास इतने सारे उसके लोग हो गए जो कि सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा एक एंड पार्टी बचती है, अपना सब रजिस्ट्रार ऑफिस, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, स्टैम्प ड्यूटी आप पे करते हैं, तो इस जगह पे भी आपको जाना होता है। तो ये सारी पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं इस पूरी प्रोसेस में। तो दोस्तों, आप सब ने देखा कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं होम लोन की प्रोसेस में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं और इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है इंक्वायरी आप करने लगते हैं, जैसे ही आप फाइनलाइज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, उसके बाद ऑनलाइन दोस्तों से, ऑफिस कलीग से इंक्वायरी करते हैं और वो बैंक फाइनलाइज होने के बाद एप्लीकेशन देते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी के खुद के। उसके बाद जो है बैंक आपका वेरिफिकेशन करता है मल्टीपल एस्पेक्ट से, लीगल है, प्रॉपर्टी चेक है, आपकी एलिजिबिलिटी का चेक है, आपकी कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस है, सब कुछ वो देखता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में बैंक जो है आपको एक अमाउंट सैंक्शन करता है, या तो रिजेक्ट करेगा और या तो एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो आपको एक सैंक्शन लेटर देता है, वो अप्रूवल लेटर देता है कि इतना अमाउंट हम आपको इस रेट पे और इस कंडीशन पे दे रहे हैं। अब अगला स्टेप ये होता है कि आप वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं बोरोवर की तरह, जिसमें आपको वो पूरा अमाउंट चाहिए या उससे अगर कम चाहिए तो वो आप वहाँ पर मेंशन करके ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए वो कुछ ड्यूरेशन भी होता है कि इस ड्यूरेशन में कर लीजिए एक्सेप्ट। और जैसे ही आपने ऑफर एक्सेप्ट किया तो फिर बाकी की पार्टीज एक्टिव हो जाती हैं, आपका लॉयर है वो आपका एग्रीमेंट तैयार करने लगता है, सेल डीड होता है आपका, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं आप, और उसके बाद जो है डाउन पेमेंट भी आप करते हैं, और अंत में इन सब सारी प्रोसेस होने के बाद आपका फाइनल जो स्टेज है वो है लोन डिसबर्सल का। तो बैंक जो है आपका लोन डिसबर्स करता है और जो एक्चुअल लोन अमाउंट है वो आपके बिल्डर को या फिर जो भी सेलर है उसको डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक वो देता है। तो ये हमारी हो गई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शॉर्ट में। तो हम ये थोड़ा सा डिटेल में आगे देखते हैं और अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा स्टेप है इंक्वायरी फॉर बेस्ट सूटेबल बैंक एंड एप्लीकेशन। तो हम आजकल हम सब जगह देखते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं और इंस्टा पे देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर में डेली ऐड आती रहती है, मोबाइल पे हमने अगर एक बार होम लोन सर्च किया तो मल्टीपल एड्स आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आप जहाँ भी ब्राउज करेंगे आपको हर जगह वो ऐड दिखने लगती है कि इस लोवेस्ट रेट पे ये अवेलेबल है लोन। तो वो सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि कोई स्पेशल ऑफर है क्या, कहीं पे शौर्य स्कीम है डिफेंस वालों के लिए, उसमें वो 0.5% कम दे रहे हैं, किसी बैंक ने फीमेल कोटा को रखा हुआ है, किसी बैंक ने ये प्लान रखा हुआ है कि अगर आप उसके यहाँ से कार लोन और कुछ और लोन भी लेते हो तो अगर जॉइंट मल्टीपल आपके लोन है तो वो टोटल आपको रेट कम करके देगा। तो हर बैंक के अपने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं और वो अलग अलग ऑफर देते हैं, अपना पोर्टफोलियो रेडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। ये चीज़ें तो हो गई और इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग फीस। तो प्रोसेसिंग फीस जो है वो 0.25 से 1% तक हो सकती है, लेकिन जो ये है कोई बैंक है वो ऑफर देते हैं, आजकल आप जाओगे तो वो आपको ऑफर में बोलते हैं कि ये फ्री है, प्रोसेसिंग फीस का कोई हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो
ये अमाउंट भी कहीं कहीं किसी किसी बैंक में आप जाते हो तो वो आपका सेव हो जाता है। लेकिन अगर बैंक ने लेटर ऑन रिजेक्ट किया आपका एप्लीकेशन, तब भी आपने जो प्रोसेसिंग फीस उसको पे की है वो आपकी रिटर्न नहीं आती है, क्योंकि उसमें वो काम कर चुका है। बैंक का कहना होता है कि हम वो रिटर्न नहीं करेंगे आपका, अगर लोन रिजेक्ट भी हो गया है तो ये आपका लॉस होता है प्रोसेसिंग फीस का। अभी नेक्स्ट जब आते हैं आप आगे, तो इसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स हैं, तो दोनों को ही सेलेक्ट करने के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप फिक्स्ड रेट लेते हैं तो कुछ बैंक हैं जो पेनल्टी लगाते हैं अगर आपने एडवांस पैसा भरा, जैसे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है इस मंथ, आपको बोनस आ गया कंपनी से या कहीं और से आपको अमाउंट आ गया और आप चाहते हैं कि मेरा लोन अमाउंट कम हो जाए, आप पे करने जाते हैं, तो फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड वाला रेट वाला अगर आपने लिया हुआ है तो उसमें आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है एक्स्ट्रा, जो कि फ्लोटिंग में केस नहीं है। और ऐसे भी बैंक हैं जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ पेनल्टी नहीं लगाते हैं, तो ये पॉइंट भी चेक करिए। इसके बाद जो आता है कि कुछ बैंक हैं, अगर आप रेगुलर पे कर रहे हैं तो हर 5 साल में या 3 साल में वो आपकी 2 या 3 ईएमआई वेव ऑफ करते हैं, कि एक भी मंथ में इनका पेमेंट जो है डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, टाइम पे पेमेंट हुआ है, तो उनको रिवॉर्ड की तरह वो देते हैं कि आपका 2 ईएमआई या 1 ईएमआई वो वेव ऑफ कर देंगे। और कुछ बैंक का है कि पूरे एंड में जो आपका बचा हुआ है ईएमआई तो वो उसको वेव ऑफ कर देंगे 2 या 3, कुछ बैंक्स ने ऑफर रखा होता है। और ऑलरेडी मल्टीपल लोन्स का भी कहीं कहीं ऑफर होता है कि आप यहीं से अगर बहुत सारे फ्रिज लोन, कार लोन, होम लोन या फिर रिनोवेशन लोन, कुछ भी बहुत सारे अगर 2-3 लोन्स ले रहे हैं तो वो पैकेज में आपको एक नेगोशिएट करके एक बेस्ट ऑफर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ आपको इंक्वायरी करनी पड़ती है इसके पहले कि आप अपना लोन वहाँ आगे प्रोसेस करें। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है अपना घर फाइनलाइज करने के पहले कि आप किस बैंक के साथ जाना चाहते हैं, किस मोड से जाना चाहते हैं, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसमें डॉक्यूमेंट कलेक्शन करता है बैंक या हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट किस प्रकार के होंगे, एक तो हमारे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होंगे कि हमारी आइडेंटिटी और क्या करते हैं, एलिजिबिलिटी है या नहीं उन सब चीज़ों के लिए, और दूसरा जो है हमारे बिजनेस या वर्क रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो हमें बैंक को देना होता है, जिसे बैंक इंश्योर कर सके कि यस जो ये नेक्स्ट पार्टी है वो पेमेंट रीपेमेंट करने के लिए सक्षम है या हमारा जो भी लोन डिसबर्स होगा उसको वो वापस पे कर पाएगी। तो इसमें अगेन कैटेगरी कर दी है बैंक ने 3 डिफरेंट, जिसमें एक तो नॉर्मल जो है वर्किंग है, प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि जो जॉब कर रहे हैं आप TCS में, टेक महिंद्रा में, कॉग्निजेंट में, कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो, या गवर्नमेंट जॉब है आपकी, इन सब के लिए बहुत इजी रहता है लोन लेना। तो एक ये हो गया आपका वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप वर्किंग नहीं है, आपका खुद का बिजनेस है या आप सेल्फ अपना बिजनेस करते हैं या जॉब काम करते हैं, तो वो अगेन 2 कैटेगरी उसमें उन्होंने बना दी है, जिसमें आपका सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में जैसे कि डॉक्टर हैं, आपके CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये सब जो अपना खुद का काम करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड ये प्रोफेशनल कैटेगरी में आता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जैसे हेयर सैलून खोला है किसी ने, ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, होटल रेस्टोरेंट चला रहा है, किसी का क्लॉथिंग स्टोर है, तो ये आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के अंतर्गत। तो हर कैटेगरी के लिए बैंक सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि उनका उनकी अर्निंग रेगुलर है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी रेगुलर होने वाली है, वो देखने के लिए वो उनके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो मांगता है। तो नॉर्मल तो स्टैंडर्ड आपको पता है कि अगर कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो आपको KYC डॉक्यूमेंट्स, आपका पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट है,
आधार कार्ड हमारे ओवरऑल इंडिया ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट हो गया है। उसके अलावा जहाँ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ का एम्प्लॉई आईडी कार्ड आपको देना होगा। उसके अलावा जो आप जॉब करते हैं वहाँ की आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर की डिटेल दे सकते हैं और उसके अलावा और अदर जो डॉक्यूमेंट बैंक को लगता है वो आपसे मांग सकता है, फॉर्म 16, इनकम टैक्स रिटर्न भी वो मांग सकता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपकी चाहिए होगी, रेसिडेंशियल एड्रेस अगर आप रहते हैं आपका खुद का इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी प्रूफ है, और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट जो है वो आपको जमा करना होगा उसकी एक कॉपी। इसके अलावा जो बिजनेस वाले हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनका कैसे, उनको तो सैलरी नहीं आती है हर महीने, अब वो कैसे तय होगा कि वो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक करेगा बैंक, तो उनका ऑडिट रिपोर्ट जो सीए का रहता है, बैलेंस शीट रहती है, वो उनको सबमिट करनी होती है जितने ड्यूरेशन के लिए बैंक मांगते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है, इधर आप सैलरी स्लिप देते हैं, यहाँ पे आप बैलेंस शीट ऑडिटेड रिपोर्ट बैंक को जमा करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म देते हैं। तो ये चीज़ों को एंश्योर करने के लिए बैंक के डॉक्यूमेंट की, हर बैंक की ऑलमोस्ट सेम होती है लिस्ट, वो आपको एक लिस्ट देंगे और टाइम टू टाइम वो आपसे बहुत सारी चीज़ें मांगते रहेंगे जो भी रिक्वायर्ड होगा जब तक लोन डिस्पर्सल या एग्रीमेंट नहीं होता, वो और भी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो वो सारी चीज़ें मांगेंगी। ये तो आपकी खुद की आईडी से रिलेटेड चीज़ें हो गई। इसके अलावा एक सेट आपको और देना होता है डॉक्यूमेंट का, जो कि है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ आपको बिल्डर से मिलेगा, और या सेलर आपका होम का जो भी सेल कर रहा है उससे आपको बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भी लेके बैंक को सबमिट करना होता है। तो ये हो गई हमारी डॉक्यूमेंट कलेक्शन या डॉक्यूमेंट सबमिशन की प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है वेरिफिकेशन बाय बैंक। तो डॉक्यूमेंट सारे ले लिए बैंक ने आपसे, अब बैंक का काम है वेरिफिकेशन करने का, तो आपका भी वेरिफिकेशन करेगा वो कि आप पेमेंट कर सकते हो कि नहीं, और उस प्रॉपर्टी का भी वो वेरिफिकेशन करेगा कि वो प्रॉपर्टी सही है या नहीं, उस प्रॉपर्टी पर लोन जो रिक्वायर्ड लोन है वो दिया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी ऑफ बोरोवर हमारा पहला सेक्शन है जिसमें बैंक क्या चेक करता है, वो आपका पेमेंट रिकॉर्ड देखता है। मतलब पास्ट में अगर आपने कोई लोन लिया है और उसका आप रेगुलर पेमेंट किए हैं या फिर आप डिफॉल्टर हैं किसी बैंक में, आपके चेक बाउंसेस तो नहीं हुए हैं, सिबिल स्कोर सबको पता है कि सिबिल स्कोर का क्या इम्पोर्टेंस है, तो आपका फिनेंशियल स्टेटस या फिनेंशियल रेटिंग आपकी मार्केट में क्या है, तो सिबिल डिपार्टमेंट जो है वो हर पर्सन का पैन कार्ड के थ्रू चेक हो सकता है कि उनका सिबिल रेटिंग डिफाइन करता है, और अगर वो जितनी ज़्यादा है उतनी अच्छी है, अगर आपकी 750 प्लस है तो ये बेस्ट माना जाता है सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है या कम है तो लोन लेने में आपको इश्यू आता है, प्लस लोन अमाउंट भी आपका रिड्यूस हो सकता है। ये तो चीज़ें हो गई एलिजिबिलिटी के लिए, और इसके अलावा लोन रिक्वायरमेंट वर्सेस एज वर्सेस सैलरी। तो सपोज आप मांग रहे हैं कि आपकी सैलरी है 20,000 पर मंथ, तो आप एक साल का समझ लीजिए 2.4 लाख कमाते हैं, पर आप मांग रहे हैं कि मुझे दे दो 30-40 लाख का लोन दे दो, और जिसमें आपकी हर महीने 20 ईयर्स के लिए जिसमें आपकी हर महीने की ईएमआई जाएगी लगभग 40,000, तो वो आप पे नहीं कर सकते हैं, और अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो भी आप पे नहीं कर पाएंगे जल्दी। तो ये सारे फैक्टर भी बैंक उसमें चेक करता है कि क्या एज है, सैलरी क्या है, और लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है और कितनी दी जा सकती है। अदर लोन तो आपने नहीं लिए हुए हैं, कोई आपका कार लोन तो नहीं चल रहा है, कोई आपका लैपटॉप का लोन तो नहीं चल रहा, कोई भी अदर लोन पर्सनल लोन तो नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करते हैं कि आपकी सैलरी में से आप बाकी लोन और खुद का खर्चा निकालने के बाद कितना पेमेंट हर महीने बैंक को कर पाओगे, और
वो कैलकुलेशन करके फिर आपको अमाउंट एक तय किया जाता है। इसके अलावा वो ये भी चेक करता है कि आपका आप रहते कहाँ पे हैं और आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे भी वेरिफिकेशन के लिए बैंक के बंदे जाते हैं और वो चेक करते हैं कब से आपका जॉब है और रेफरेंसेस आपके चेक किए जाते हैं। गारंटर आपका होता है कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशन में वो गारंटर जवाबदार होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, जैसे आप लोन लेते हैं तो कहीं के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक का कोई कर्मचारी आपके ऑफिस में आता है या वो कॉल करके चेक करते हैं और आपका जो रेसिडेंस है वहाँ पे भी वो विजिट करते हैं। इसके पहले आप जहाँ रहते थे या आपका होम टाउन है वहाँ तक भी वेरिफिकेशन कुछ बैंक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट बैंक चेक करेगा। आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं वो सारे सही होना चाहिए और उसकी बेसिस पे बैंक चेक करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ के लिए लोन लिया जा रहा है क्या वो वर्दी है, क्या वो प्रॉपर्टी उतने की है, क्या वो प्रॉपर्टी सही है, उसकी लीगैलिटी प्रॉपर है, कोई और उसका हकदार तो नहीं है, कोई थर्ड पार्टी जो बोलती है कि नहीं ये तो मेरी है, कोई और कैसे सेल कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यूएशन क्या है, मतलब मार्केट में जैसे अडानी वाला ही केस अभी चल रहा है कि 10 रुपये की चीज़ को उसने 10 लाख का लोन लिया और अगर वो डिफॉल्टर भी हो गया है तो आप वो 10 रुपये की चीज़ को मार्केट में बैंक बेच के कितना वसूली कर सकता है। तो इसके लिए मार्केट वैल्यूएशन भी किया जाता है प्रॉपर्टी का, उसके भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और प्रॉपर्टी का करंट स्टेटस क्या है कि इन प्रोग्रेस है और प्रोग्रेशन कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है या बहुत ख़राब हालत की प्रॉपर्टी तो नहीं है, मल्टीपल ओनर्स तो नहीं है, रेरा रजिस्ट्रेशन किया गया है प्रॉपर, जो भी गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने होते हैं उसको बनाने के पहले वो सब कुछ उन्होंने लिया है या नहीं, उनके पास सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट हैं या नहीं, उसका लीगल टाइटल चेक किया जाता है कि प्रॉपर है प्रॉपर्टी का। एक और होता है APF कोड, वो इन प्रोग्रेस प्रॉपर्टीज़ के लिए होता है तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है बिल्डर के द्वारा, उस पर भी वो चेक करता है। तो ये सारी चीज़ें बैंक के द्वारा वेरीफाई की जाती हैं, चेक की जाती हैं कि, और उसके बाद फिर बैंक आपको लोन डिसबर्सल करने का डिसीजन लेता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है सैंक्शन लेटर। अब लोन आपको बैंक देता है, या तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपको रिजेक्ट करेगा बैंक। तो कुछ लोगों का लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होता है तो रिजेक्शन लेटर आपको आ जाएगा, सो एंड सो रीज़न से आपको हम लोन देने में सक्षम नहीं हैं। आप किसी का सिबिल कम होगा या उसका क्रेडिट रिकॉर्ड ख़राब होगा या फिर प्रॉपर्टी ठीक नहीं होगी, उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो इसके बाद जो अगर वो आपको आपका अप्रूवल हुआ है लोन का तो वो एक सैंक्शन लेटर आएगा और सैंक्शन लेटर ज़्यादातर बैंक जो है वो 80% अमाउंट आपका सैंक्शन करते हैं और कुछ बैंक ये भी ऐड उनका मुझे दिखाई देता है कि वो 90% लोन अमाउंट, 95% लोन अमाउंट, तो वो एक्चुअल जाने के बाद पता चलता है। तो मैक्सिमम जो बैंक है वो उनका 80% का क्राइटेरिया होता है, वो उतना मैक्सिमम आपको आपके लोन एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करते हैं और बाकी आपको डाउन पेमेंट करना होता है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन खुद भरना होता है। तो अब ये जो आपका लोन सैंक्शन लेटर है इस पर वो आपको बताएंगे कि कितना अमाउंट सैंक्शन किया है और उस फिक्स्ड पे दिया है, फ्लेक्सिबल पे दिया है, आप टर्म लोन ले रहे हैं या मैक्स गेन ले रहे हैं, उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, आप रीपेमेंट कैसे करेंगे और ये ऑफ़र जो बैंक ने दिया है वो कब तक वैलिड है, 30 डेज, 60 डेज, 15 डेज, मतलब उस समय पे अगर आपने उस ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया तो फ्यूचर में वो बढ़ सकता है, कम, कुछ भी हो सकता है, बट उसके लिए एक वैलिडिटी पीरियड देते हैं और उसमें अगर आपने लिया तो वो मान्य रहेगा।
उस पीरियड के लिए, उस कंडीशन के लिए। और इसके अलावा जो अदर उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अगर बैंक के स्पेसिफिक, तो वो भी उसमें मेंशन्ड होता है। तो ये आपने आधी यात्रा यहाँ तक पार कर ली जब तक आपको आता है लोन का सैंक्शन लेटर। और आप अगर उसको फिर नेक्स्ट आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों लोन का जो सैंक्शन लेटर है उसका एक्सेप्टेंस। तो अगर आपकी लोन की रिक्वायरमेंट उतनी ही है और उन सारी कंडीशंस को आप प्रॉपर चेक करें जैसा आपने चाहा था वो उसी कंडीशन पे मिल रहा है या नहीं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और प्रॉपर उसमें आप फिर से लोन का अमाउंट दे सकते हैं। आपको ज़्यादा तो नहीं कर सकते आप, लेकिन आपको कम करना है अगर आपको कहीं और से जुगाड़ हो गया है एक्स्ट्रा पैसे का और आपको कम लोन चाहिए, तो आप वो उनको बता सकते हैं। आपका कैसे आप पेमेंट करने वाले हैं, किस डेट पे करने वाले हैं, वो सब आप बताते हैं। आपको आपका जो टेन्योर है, तो एक्चुअली वो जो भी ऑफर आया है उसको आप चेक करके एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्टेंस के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आपको करना होता है डाउन पेमेंट और आपका होता है एग्रीमेंट या सेल डीड। तो बैंक आपसे मांगेगा सारे के सारे ओरिजिनल पेपर्स, पहली कंडीशन कि जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, क्योंकि बैंक पे कर रहा है तो अभी वो उसके पास रहेंगे, आप उसका एक ज़ेरॉक्स रख सकते हैं, आपको रखना ही चाहिए, तो आप एक उसका ज़ेरॉक्स रख लेंगे। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपको करना होता है डाउन पेमेंट। तो जैसे अगर आपको 80% अमाउंट आ गया, आपने 50 लाख का लोन, 50 लाख की प्रॉपर्टी है और आपने लोन ले लिया है 40 लाख का, तो बाकी का 10 जो है आपको डाउन पेमेंट करना होगा, प्लस आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी खुद ही उठाना है। ये आप करते हैं। और इसके बाद जो है ये आप प्रोड्यूस करते हैं, बैंक को आप देते हैं कि आपने डाउन पेमेंट कर दिया है, ओरिजिनल पेपर्स दे देते हैं। इसके बाद आपका लॉयर जो है वो एक एग्रीमेंट तैयार करता है, आप लोगों का एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल डीड होता है दोनों पार्टी के बीच में। और ये अगर आप एक या ज़्यादा लोग हैं लोन लेने वाले, जॉइंट लोन है, बिजनेस में भी जॉइंट लोन रहता है, या कभी कभी लोन अमाउंट कम हो रहा है तो हस्बैंड वाइफ या मिलके एक जॉइंट लोन लेते हैं, तो वो सारे लोगों को वो सेल डीड या एग्रीमेंट जो है वो आपको साइन करना होगा। और ये हमारा फाइनल स्टेज हम पहुंच ही गए हैं। तो इसके बाद आप पिक्चर में आता है हमारा सब रजिस्ट्रार ऑफिस। तो आपको रजिस्ट्रेशन सेल डीड हो गया आपका, और उसके बाद फिर जो है बैंक आपको लोन डिसबर्स, आपको नहीं जो सेलर है उसको लोन डिसबर्स करता है, उसकी जो कॉपी है वो डायरेक्टली चली जाती है सेलर को, डीडी है या फिर चेक है, बैंक उसको दे देता है और आपकी प्रॉपर्टी के पेपर रख लेता है, आप उसका उसके ज़ेरॉक्स अपने पास रखें और उसकी रिसिप्ट भी लें। और इसके अलावा कुछ और एक दो टर्मिनोलॉजी आपको सुनने में आएगी, जैसे क्रिसाई अपलोडिंग चार्जेस हैं, मॉर्गेज चार्जेस हैं, नोटिस ऑफ इंटीमेशन चार्जेस हैं, तो ये भी आपको पे करना होता है इस पूरी प्रोसेस में। और इस तरीके से हमारा होम लोन का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है, आपको आपका घर मिल जाता है अगर वो रेडी है, और नहीं तो कंस्ट्रक्शन के लिए वो थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में जो बैंक है बिल्डर को डिसबर्स करता रहता है अमाउंट, उसकी रेरा की जो प्रोसेस है, रेरा के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा डिसबर्स करता है, जितना कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस होता है उसके अकॉर्डिंग, और आप लोन का रीपेमेंट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, लेकिन सिंपल स्टेप्स थी, पर हर स्टेप में आपको
छोटी छोटी चीज़ों का जिनका ध्यान रखना चाहिए वो सब कुछ मैंने मेंशन करने की कोशिश की है। एक और इंश्योरेंस वाला पॉइंट भी आता है जिस पे आपको डिसीजन लेना होता है घर के इंश्योरेंस का, तो वो भी एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है आप सबको ये होम लोन का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पर जब हम लेते हैं ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बैंक आपसे स्टेप बाई स्टेप मांगता रहता है, और ये लेने के पहले भी कि होम लोन का रेट कहाँ पे कम ज़्यादा है, मैक्स गेन लें या टर्म लोन लें या फिर फिक्स लें, फ्लेक्सिबल लें, जॉइंट लोन लें, अगर गलत बैंक के साथ फंस गए तो क्या करें, प्रधानमंत्री योजना आवास योजना जो बंद हो गई थी वो फिर से स्टार्ट हुई है क्या, अगर हुई है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये सब बहुत सारे मन में हमारे सवाल होते हैं जिसका आंसर देने वाला कोई नहीं होता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं किसी भी बैंक के ऑफिशियल से बात कर सकें और आपके इन सारे सवालों का हम आंसर ला सकें। तो बने रहिए मेरे साथ, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बताइए, प्लस अगर आपने ऑलरेडी एक बैंक सेलेक्ट कर लिया है तो वो भी बताइए कि आपने वो क्यों चुना है, ताकि बाकी लोगों को उससे हेल्प मिले। और इसके अलावा इसी सीरीज़ में मैं अभी और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी होम लोन से रिलेटेड, तो मेरे साथ बने भी रहें और अपने सवाल भी यहाँ पर शेयर करें। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।